ओम शांति। आज है 28 अक्टूबर 2021। मुरली का सार, मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना। यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवानुवाद सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरा, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज और निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं, किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ओम शांति।